गुड मॉर्निंग बच्चों, जिला समस्तीपुर बिहार से गौरी ब्लॉग पर आप लोगों को स्वागत है। बच्चों, इस पर सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए बच्चों। और बच्चों, हम जानते हैं कि आप लोग स्वस्थ और अच्छा होंगे। बच्चों, मेरा दुआ आप लोगों को सदा के लिए लगे रहे। आप लोगों खुश रहिएगा तो हम लोग भी खुश रहेंगे। बच्चों, यही ऊपर वाला से कामना करता है जो आप लोग सदा के लिए खुशहाल रहें, बने रहें, और हम दोनों को सपोर्ट आप लोग करते रहें। बच्चों, चाचा बोलिए दिए हैं तो हम भी अपना बच्चों के लिए फुलवारी लगाए हैं। सबको आशीर्वाद भरपूर देते हैं जो बच्चों सब खुश रहे, मस्त रहे, अपना काम काज में लगे रहे। और चाचा चाची को आप ही सबको आशा है, दूसरा तो कोई है नहीं। आप तो सब बात जानबे करते हैं, बार बार एक ही बात को बोलना नहीं ठीक लगता है। तो आप लोग ख्याल कीजिए जो चाचा चाची की स्थिति में है। ऐसे तो लोग बहुत मजाक उड़ा रहा है कि नहीं बेटा से मिले हुए हैं, बेटे उसको वीडियो का एडिटिंग करता है, वीडियो बनाता है, उसको चैनल भी खोल दिया, बेटे खोल दिया। आप तो देखबे किए कि मेरे मुसीबत देख करके अरविंद चौरसिया जैसे कि ये चैनल के खोला है एक बेटा के नाता से। और आप सब सपोर्ट कीजिए, आप ही सबके सपोर्ट का ज़रूरी है। प्यार दुलार आप सब देते रहिए, आप सबको आशीर्वाद मम्मी को तरफ से है जो आप सब बढ़िए। और मुसीबत के घड़ी में जो कहता है जो मुसीबत के घड़ी में कोई नहीं देखता है, लेकिन मेरे हिम्मत ही आओ है जो मुसीबत के घड़ी में मेरे सब बेटा बेटी भाई बहन मेरे साथ है, सब मेरे भरोसा देता है। मेरे मैसेज में भी कहता है जो मम्मी आप रोइए मत, आपको लिए हम है, हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम अपना साथ साथ में रहेंगे। जो वैसा ही आदमी है जो मेरे लिए सपोर्ट गलत करता है, जो राजा का जो साथी है वही वैसा ही करता है गलत, तो उससे कोई बात नहीं है, उसको हम दिल पर नहीं लाते हैं। कभी कभी इतना दिल पर ले लेते हैं तो सारा सारा रात सारा सारा दिन रोते रहते हैं जी मेरे लिए कोई नहीं है, इतना जो किए से कह करके क्या हुआ, क्या हुआ, मेरे लिए कोई नहीं है। अरे नहीं है तो हमारा इतना लाखों बच्चों देख रहा है, वही हमारे लिए अपना है, वही उन्हीं को सपोर्ट से हम आगे बढ़ेंगे। वो बच्चों के लिए हम बहुत प्यार दुलार जैसे हम लोगों को इस उम्र में दे रहा है वैसा ही इस उम्र से बच्चों को भी दुलार प्यार हम हमेशा के लिए देते रहेंगे। बच्चों, कोई बात आपसे छुपा हुआ नहीं है, शुरू से भी जैसे नकल करता था शादी का, वो शादी तो सही में किए हुए थे, 7 साल 6 साल पहले ही शादी किए थे लड़का, लेकिन ये शक्ल कर रहा था, बोल रहा था आज हम शादी करने के लिए जा रहे हैं ऐसे वैसे, तो कितना बेटा बेटी है तो कहते पूछते थे जो शादी राजा भाई आपको हो गया, तो बोलता नहीं नहीं अब शादी नहीं करेंगे, लेकिन सैतुक में शादी किए थे, 6-7 साल पहले शादी किए थे। ये तो इतना तेज निकला, इतना धुरंधर निकला जो हम ही लोग के साथ में जो हम जन्म दिया कर्म उसको सब बनाया, उसको आगे के लिए उसको हम क्या ना किया, हर चीज़ किया उसको। जब उसको फेल हो गया था इंटर में बीए के लिए, उसको हम ज़बरदस्ती करके उनको हम फॉर्म भरवाए, उनको फिर फॉर्म भरवा करके परीक्षा दिलवाई, परीक्षा से उसको निकाला, फाइनल परीक्षा वो बीए को कर लिया। उस टाइम में इसको हम कहा जी आप अपना वीडियो बनाए छोड़ दो, आप किसी नौकरी करो, तो नहीं हम वीडियो बनाएंगे, हम वीडियो बनाएंगे, हमको वीडियो में मन लगता है, वीडियो में हम रहेंगे। खैर कोई बात नहीं है, हर खुशी इनको दिया। खुशी देने के बाद शादी करने के लिए जब लड़की वाला यहाँ अपना बिहार से आने लगा जो अपना लड़का के दे दो हम शादी करेंगे, फिर गुप्त रूप से ही मुझे बोला नहीं जो हम शादी किए हैं, खाली बोल रहा था जो हम शादी हम करेंगे ना मम्मी, ठीक है हम करेंगे, ठीक है हम करेंगे। लेकिन ये सब पोल जब उनको दरवाज़ा पर गया तभी सब पोल उसको गार्जियन से मिला, जो जिस टाइम में हम शादी किए थे कोर्ट से राजा के, अभी नहीं किए 7 साल पहले किए, उसी टाइम में बोल दिए थे जे मेरे बेटा बनकर रहना होगा, जिसको 2 बेटा है लोफर बेटा है 2 नसबाज है, तो वो बेटा अक्षत में कहा जब हम बेटा बन के
तो खैर उनको बेटा बन गया, हम जो इतना कर्म किया, जन्म दिया, कर्म किया, हर चीज़ किया, उनको पढ़ाए लिखाए, वीडियो में हर तरीका को नाच गाना करके उनको आगे बढ़ाया, जिसको खुशी है तो यही में से दो रोटी मुझको भी मिलेगा, मेरी बेटा है इसको ना सपोर्ट करेंगे तो किसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी मेरे गांव वाला जो ताना मारता है ना, तो बुझाता है जो आँखों से आंसू गिरता है, आँखें से आंसू गिरता है, जो रात आ दिन हम कैसे कट रहे हैं से हम ही समझ रहे हैं। मेरे दिल के बात समझने का कोशिश करिए, जितना बेटा बेटी देख रहे हैं मेरे सपोर्ट करने का कोशिश कीजिए, मुझे आँखों में आंसू हर सिवा झलकता है, बेटा के लिए क्या ना किया आप सब देखे ना। जब कहते थे जो मम्मी हम बाहर के लड़की से शादी करेंगे, शादी किए हुए में तो हम उनको मना करते थे, आप सबको साथ में आप सबको जानकारी दे करके जो यूपी के लड़की से आप शादी मत करो, मुझे बहुत दिक्कत होगा, हमको नहीं देखेगा, तो नहीं नहीं मम्मी हम नहीं शादी की है, जो आप कहिएगा वही हम मानेंगे। जिस दिन मैं जा रहा था शादी करने के लिए तो बोला कि हम जा रहे हैं अपना हम अपना पत्नी को लाने के लिए, तो हम बोला जी अपना पत्नी कहाँ से आया, तुम शादी की हो, तो नहीं से हम शादी कर लिए पहले ही, तो लड़की को जो अति बिछावन फेंक दिया है भाई, उसको घर में रहने के लिए कहता है जी नहीं रहो, तुम जहाँ शादी किए उस लड़का के बोलो, वो लड़का ले जाएगा तो तुम्हारे हम जाते, एकाएक बोला। तब हमको दिमाग उड़ गया एक बार, ये देखो ये लड़का इतना धोखेबाज है जो मेरे दूध पी करके लड़का आ कितना हरम पाना किया, हराम कर दिया मेरे दूध को, हम कितना आशा लगाए थे जो अच्छा से शादी करेंगे अपना धूमधाम से अपना बिहार में, जितना बेटा बेटी देख रहे हैं सबको बुलाएंगे, सबके सब नाचेगा गाएगा अच्छा से सब बरबरत करेगा, लेकिन सब हम मुझे अरमान फिर अपना दिल के रो करके समझा करके फिर हम सोचे जैसा कोई बात नहीं, जब इसका खुशी है जो हम बाहर के लड़की से शादी कर लिए हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है आप ले आओ। तो गया टिकट बनाने के लिए वहाँ अपना बाज़ार में, तो कहा जो हम जाते हैं वहाँ टिकट बनाने के लिए फ्लाइट के लिए, हम अकेला, फ्लाइट वाला बोला कि आप अकेला जाइएगा लड़की के लाने के लिए, आप वीडियो बना रहे हैं मम्मी पापा, वही समझाया मम्मी पापा के फ्लाइट के टिकट बना लीजिए उसको भी साथ में ले चलिए। तो फिर इसको दिमाग में कुछ आया तो कहा जे हाँ बिहान हमारे ऑडियंस पूछेगा जे आप अकेले गए शादी करने के लिए, माँ बाप को नहीं ले गए, तो ज़बरदस्ती करके टिकट बनाया पापा को भी। मुझे बाहरी आदमी को ले जाता है बाहर को आदमी के गैर आदमी के, वैसे मुझको साथ में शादी में ले गए वहाँ पर मम्मी पापा को, जो वीडियो पर कोई हंसे दूसरे नहीं, हम लोग को कोई मालूम नहीं शादी किया नहीं किया, फिर भी मुझको हम नाच गा करके अपना बहू के घर में लाए, स्वागत किए, रखे जो कोई बात नहीं एक बेटा एक पुतो रहेगा सही से, मुझको कोई देखने वाला नहीं। लेकिन अभी बेटा अछत में लोग कहता है जो तुम्हारे पास में तुम निपुत्र है, तुमको बेटा अब कहाँ गया, जिस टाइम में आप बेटा को सपोर्ट करते थे सबसे लड़ झगड़ करते, एक ही बात मुझे हर सिवा याद आता है तुम्हारे बेटा दुलरुआ कहाँ चल गया छोड़ करके, तो सब बात को मुझे याद आता है, रोना शुरू कर देते हैं जी। नहीं मत रो, रोने से काम नहीं चलेगा, सही है मुझे लिए सबको मुझको लिए कोई नहीं है, ऊपर से ताना मरवाता है घर लड़का को, मुझे फोन करके गाली देवाता है, घर लड़का से मैसेज करवाता है गलत गलत, तो ये सब बेटा बेटी आप सबके यही दुख सुना रहे हैं, ये सब आप आपको हाथों में है, इसका जवाब तो आप ही सब दीजिएगा, यहीं से हम ही बात को हम अपना ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले बरस में। सब ले लिया मैंने, ये देखिए सब, ये देखिए बारिश से भींग गया था, गीला गीला चूल्हा दिख रहा होगा, इसी पे हम किसी तरीके से आग जलावन लगा के इसको सब्जी बनाए हैं, और देखिए सब्जी दिखा दो ऊपर इधर ला उधर ला, ये हमारे बिहार में घूरा कहता है, उत्तर प्रदेश में तोड़ाई कहता है, ये देखिए किसी का सब्जी है, और ये देखिए रोटी बना दिए हैं, ये रोटी बारिश का मौसम है, थोड़ा सा छूटा हुआ था मजबूरी में तो जल्दी से बना लिए है खाना, नहीं पानी पड़ने लगेगा तो फिर ये गीला भी सूखा भी नहीं है, फिर भी बना लिए है दिक्कत करके, क्या करें बच्चों। आज चूड़ा का सब्जी, गेहूँ का रोटी, उस दिन आम तोड़े थे तो आम भूल गए, जो रखे थे
पकने के लिए तो भूल गए, आम आज निकाले हैं और सब बेटा बेटी को आज सब्जी रोटी आम खिलाएंगे। अब तैयार रहिएगा सब। ये बच्चों सुहाना मौसम है, कितना अच्छा लग रहा है। ये बच्चे ये देखिए यहाँ बंधा हुआ है, घास नहीं खा रहा है। देखिए बच्चों रोज की तरह आज खाना बन के हो गया तैयार। आंटी के हाथ से आप लोग खाना खा लीजिए और मेरे हाथों से पानी। चलो मेरे भाई इतना देख रहे हैं बेटा बेटी, जल्दी जल्दी मुंह खोलो। जूरा का सब्जी है और गेहूँ का रोटी, जल्दी से खा लीजिए मुस्कान के साथ एकदम। और ये आम खिलाओ। और आम जो उस दिन टूटा था अपना पेड़ का, वही पक गया है। आप सब आकर के खा लीजिए, बहुत मीठा आम। हाँ, मेरे हाथों से बच्चों पानी पी लीजिए। चलो जिस तरीका से बच्चों दुलार प्यार देते हैं, उसी तरीका से मेरे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए बच्चों। यही दुआ है आप लोगों से। बच्चों हम मजबूर होकर यूट्यूब पर आए हैं, हमको यूट्यूब बनाने का कोई शौक नहीं था, पूरी में यूट्यूब बना रहे हैं। बस बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। पानी सब गिर रहा है, कितना कचरा जमा हुआ है, इसको साफ कर लेते हैं। सब सारा पानी भरने गिर गया है, फिर गाँव छत लगा है, इसकी वजह से सब पूरा पत्ते से नाला जाम हो गया है। देखिए कुछ जाता है, सब सारा पत्थर पैसे पूरा नाला जाम हो गया है। यहाँ से सड़ गया है, इसको कैसे होगा तो नहीं बदलवाएंगे। जोर से बोलो, आवाज कहाँ है। पूरा टूट चुका है पूरा नाला, देखिए पूरी जगह। देखिए यहाँ से ये सब सारा कचरा इसी में आके गिर गया है। देखिए इतना कचरा है, मजबूरी रह रहे हैं सब, घर पूरा गीला गीला हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार है। देखिए पैसा जमा हुआ है, ये देखिए सब सारा कचरा इसी में भर गया है। कचरे की वजह से पानी गिर गया, यही से ठीक करने आए हैं। लेबर लगाएंगे तो पैसा कहाँ से लाएंगे, इस हमारे अपने से थोड़ा बहुत ठीक कर लेते हैं तो कुछ राहत मिलेगा। राहत ना देखते हैं तो सारा पानी घर में गिरेगा, सब चौकी बिछावन इतना है सब भीग जाता है। देखिए इसमें सब फल लगा हुआ, इसी सब को पतझर से पूरा जाम हो जाता है नाला। बच्चों देखिए फिर आगे वाला उसमें दिखाएं, दिखा दें इधर का सब ये फल। देखिए उधर पपीता है, पपीता का पेड़ है उधर। इधर देखिए कितना चाचा सब कचरा उतारा है नीचे में। सब कांटा है उधर, छज्जा है उधर, सीढ़ी है, चढ़ा हुआ है। सब पूरा जाम हो गया, सब पूरा कचरा।